आधारित गीत नाही आइले सजनवा फगुआ में गीत का हुआ लॉन्चिंग, ये जानते हैं बिहार दस्तक से बातचीत में कलाकारों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, बिहार दस्तक पर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं नीतू नवगीत जी। परिचय? नमस्कार। मैं क्या दूं, क्योंकि इनकी लोक गायिका इस तरीके से प्रसिद्धि हासिल कर चुकी है कि आज एक बड़ी गायिका, बड़ी लोक गायिका के तौर पर यह जानी जाती हैं। और आज इनके गीत को ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। गीत के बोल हैं नाही आइले सजनवा फगुआ में। यह गीत लॉन्चिंग के साथ ही साथ बड़ा धमाल मचा चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए, ये हमारा एक प्रयास था कि जिस तरह से होली में द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, अश्लील गीत आ रहे थे, उस समय देखकर बड़ी पीड़ा होती थी कि पारंपरिक गीतों के नाम पर इस तरह से अश्लीलता परोसा जा रहा है, क्यों ना कुछ अच्छे गीत आए। तो दीप जी के साथ मिलकर यह मेरा प्रथम प्रयास था पारंपरिक होली गीत को रखने का, और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है, इस बात की मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और मैं इसकी सफलता के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने इतने साफ सुथरे गीत को पसंद किया है। इसका मतलब है कि अब तक जो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है पब्लिक ही अश्लीलता की डिमांड करती है, मतलब वो लोग ही चाहते हैं तभी हम बनाते हैं, कुछ गायक लोगों का ऐसा था वर्सन, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर गीत अच्छे हैं, धुन अच्छे हैं और पारंपरिक है, तो हम सबको मिलकर अच्छे पारंपरिक गीतों को लोगों के सामने परोसना चाहिए, तभी इस तरह से अश्लीलता मिटेगी और लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप भी देखे ही होंगे इस गीत को। बिल्कुल जी, हमने भी देखा और हमारे कई दर्शकों ने भी देखा, क्योंकि ऑफिशियली बिहार दस्तक पर हमने शेयर भी किया था इस गीत को। दीप श्रेष्ठ सर का तो अपना एक इतिहास रहा है, बहुत बड़ी ही अच्छे सुरीले गीतों को बनाते हैं ये, इनके साथ कार्य करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये समय के बहुत पाबंद है, ये अगर 8 बजे कह दिए तो वो 8 बजे बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं कहीं पर कहीं भी, और कलाकारों के साथ इनके संबंध काफी मधुर हैं और एक डिसिप्लिन में ये काम करते हैं और बिना घबराए, बिना किसी प्रेशर के और आराम से, जैसे गीत की रिकॉर्डिंग ही होनी थी तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको जितना टाइम लेना है लीजिए, कोई वैसी बाध्यता नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप अगर एक दिन में गाले तो अच्छी बात है, 1 घंटे में गाले तो अच्छी बात है, दूसरे दिन भी चाहें तो आप गा सकते हैं। तो इनके साथ काम करना बहुत कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मुझे इनसे सीखने का भी अवसर मिला। आने वाले समय में क्या कुछ योजना चल रही है, क्योंकि यह होली गीत तो धमाल मचा चुकी है, अब आगे किस तरीके की योजना आप कर रही हैं, कैसे गीत को गाएंगे आप? आगे की योजना वही है कि जो छुपी हुई पारंपरिक गीत है उन सबको फिर से स्थापित किया जाए, और अभी हमारा काम विवाह गीत पर चल रहा है। इनके साथ मिलकर मैं हल्दी का गीत, कन्यादान का गीत और भी बहुत सारे बारात आगमन के गीत, इन सब गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही है और जल्द ही इसका वीडियो भी आप देख सकेंगे। और विवाह गीत, मुझे विश्वास है कि जिस तरह से होली गीत लोगों ने पसंद किया है तो पारंपरिक विवाह गीत भी जरूर लोग पसंद करेंगे। आपके शानदार गीत नाही आइले सजनवा फगुआ में आज ऑफिशियल लॉन्चिंग किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मुझे बहुत खुशी है कि नीतू जी ने इस गीत को गाया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने तो हिम्मत की कि अच्छे गीत गाने की, नहीं तो आज जो गीत चल रही है उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये हिम्मत की बात है, नीतू जी ने हिम्मत किया है, हम इसमें इनका जितना भी होगा हम सहयोग करते रहेंगे, अच्छे अच्छे गीत को ढूंढेंगे, अच्छे अच्छे संगीत को बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या है भोजपुरी। तो नाही आइले सजनवा फगुआ में आप सब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप इस तरह से लाइक करते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी अच्छे काम करने की। इस गीत को आपने निर्देशन दिया है तो कैसा अनुभव रहा है निर्देशन का, क्या कुछ अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कोऑपरेटिव और संस्कारी गायिका है। शारदा जी के बाद हमको नीतू जी के साथ काम करके अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम लोग लंबे समय तक
अच्छे अच्छे काम करें। इसको जब हमने लिखवाया तो दो से तीन बार हम लोगों ने करेक्शन भी किया है, और कोई गीतकार आज के डेट में करेक्शन जल्दी करता नहीं, कि लिखता कि ये तो ब्रह्मा का लकीर हो गया, लेकिन इस गीत की जो लिखा है उन्होंने वीरेंद्र पांडे ने, उन्होंने कहा मुझे रात को 12 बजे फोन करके, मतलब 12 बजे रात में फोन आ रहा है वीरेंद्र पांडे का, तो बोले कि मुझे बहुत खुशी है दीप जी कि कोई गायिका अपने शब्दों के प्रति इतने जागरूक है आज भी, और आप जितने बार हमसे करेक्शन कराएंगे हम करेंगे, कि वो अच्छे गीत हमको लिखने के लिए मिलते कहाँ हैं। तो उन्होंने बोले कि आप जितने बार भी करेक्शन करें आप घबराइए मत, हम उतने बार करेक्शन करके आपको देंगे। तो फिर ये गीत बना। जो अभी लोक गीतों का दौर है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोक गीत एक ऐसी विधा है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, और पहले तो ये मौखिक रूप में था, लोगों को दूसरे से सुन करके टूटी फूटी भाषा में उसको लेकर के लेकिन खे रहे थे और लेकर चल रहे थे। उस पीड़ा को मैंने समझा और उसे लिख कर किताब का रूप दिया। तो जब से किताब निकला है मैं देखा हूँ, वैसे तो बिहार के बहुत सारे गांव में अब तक लगता है कि 2-4 लाख से कम प्रोग्राम नहीं किए, बड़ी उपलब्धि गांव गांव जी जी, इतने मुखातिब लोग हुए कि उस गीत को लोकप्रिय हो गया, लोकगीत लोकप्रिय होगा, सबके कंठ में उतर गया, और किसी किसी ने तो रामायण की तरह उसे रट लिया, अभी भी सुनाते हैं उस तरह के लोग। जी जी, विदेशों में भी गया, वहाँ भी काफी लोकप्रियता मिली। तो इस तरह से लोकगीत हमारा शुरू से ही रहा है इसके प्रति रुझान, और इस पर हम काम करते आ रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। नायका बिहान किताब के बाद जो है आपके एक नए पुस्तक की विमोचन हुई है, सप्त सरोवर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है? तो लोगों की प्रतिक्रिया के स्वरूप मैंने सप्त सरोवर का जन्म दिया है। नायका बिहान के बाद कुछ दिन तक संत रहा, लोकगीत ऐसे पोथी में पड़ा रहा, मैं सोच कर भी नहीं दे रहा था कि चलेगा कि लोगों के लिए, लेकिन इतनी लोगों की ख्वाहिश हुई, इतनी चाह हुई, उसके चलते दोबारा हमको फिर उसको देना पड़ा, और लोग बड़े चाव से इसे ले रहे हैं और बड़ी लगन के साथ इसको अपना रहे हैं। आपके द्वारा कार्यों को देखते हुए आपको अगर 85 साल का युवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ऐसे 85 साल की युवा आज की युवा को क्या कुछ करना चाहेंगे? ये तो आपकी बड़ापन है जो इस उम्र को आप युवा से संबोधित करते हैं, ये प्रसन्नता है मेरे लिए, लेकिन उसी लगन से मैं काम कर रहा हूँ जो खुश है, क्योंकि उसी जिला के हम हैं बाबू कुंवर सिंह का, उनके बारे में कहा गया है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जो पुराना है, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी पढ़ा नहीं बताना। तो असल कलाकार को जुनून चाहिए, जोश चाहिए, तो बुढ़ापा कोई उसके सामने मायने नहीं रखता है, उसी जुनून और जोश के साथ वो काम करता है, और जब उस तरह का उसको जुनून सवार हो जाता है तो उस तरह का जोश खरोश मिल ही जाता है, और उसी जोश खरोश के साथ लगन के साथ काम करता है।